बहुत स्वागत। 2023 की महाभारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और इस महाभारत से पहले जगह जगह हो रही है महाभारत। रायपुर से खबर आपको बता दें, सांसद सुनील सोनी के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हो गया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पहुंचे, बवाल काट दिया। सांसद के साथ बदसलूकी के आरोप भी लगे हैं। बीरगांव के कॉलेज में कार्यक्रम चल रहा था, अब आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सांसद धरने पर बैठ गए हैं। सांसद के कार्यक्रम में हुआ हंगामा, सुनील सोनी सांसद है। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, सांसद सुनील सोनी का एक कार्यक्रम था और वहां पे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ये अचानक वहां पर पहुंचे और अभद्रता का जो आरोप है वो लगाया है। बीरगांव कॉलेज में ये पूरा कार्यक्रम है आयोजित किया गया था और इसी को लेकर के यहाँ पर हंगामा देखने को मिला है और सांसद वहां पर धरने पर बैठे हैं, कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। और इस बीच ये भी खबर है अभी कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, सांसद पे बदसलूकी के आरोप लगने के बाद वहां पर खमतराई जो थाना है वहां पर पहुंचे हैं घेराव करने के लिए और लगातार ये कार्यवाही की मांग आरोपियों पर कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। सांसद के कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। इधर मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी जन आशीर्वाद यात्रा, बीजेपी ने इस जन आशीर्वाद यात्रा का खाका पेश कर दिया है। हर गांव के लोगों से संवाद किया जाएगा, दिल्ली के दिग्गज नेता भी इसमें शामिल होंगे। यात्रा का शुभारंभ करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यात्रा के समापन पर कार्यकर्ताओं का महाकुंभ होगा और यह अब तक का सबसे बड़ा महाकुंभ होगा। 25 सितंबर को पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीवंत राजनीतिक दल है और ये मनुष्यों का दल है, कार्यकर्ता आधारित दल है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। जहां पर एक से अधिक लोग होते हैं वहां अनेक अनेक प्रकार के मत होते हैं, उन मतों के साथ ही हम निर्णय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। कई बार कुछ लोगों का मत अलग होता है तो बातचीत के द्वारा उसको हल कर लिया जाता है। इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी घोषणा पत्र समिति के समन्वयक और दुर्ग लोकसभा से सांसद विजय बघेल इन दिनों बिलासपुर के दौरे पर हैं। लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं, रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं। भिलाई पहुंचने पर न्यूज 18 ने विजय बघेल से एक्सक्लूसिव बातचीत की। ईडी सीडी और धर्मांतरण के मसले पर यह चर्चा हुई। और दुर्ग के सांसद विजय बघेल लगातार दौरा कर रहे हैं और अपना घोषणा पत्र तैयार करवा रहे हैं। अभी दौरा करके वे वापस लौटे, उनसे बातचीत करेंगे। दोहरी जिम्मेदारी हो गई आपकी, तो घोषणा पत्र समिति के समन्वयक भी हैं और दूसरा अभी पाटन से प्रत्याशी भी बनाया गया है, कि कैसे मुद्दे होंगे इसमें? वो तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं तो पहले मेरे राष्ट्रीय नेताओं को, हमारे प्रदेश के नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और पाटन की जनता का प्रेम, इसने और वहाँ के कार्यकर्ताओं की ईमानदारी से कर्मठता, उनके काम करने के तरीके दमदारी से, और उसी के फलस्वरूप मुझे इनके आशीर्वाद के बदौलत पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में वहाँ दिया है। और जब वहाँ मैं अपनी बात रखा, निवेदन किया कि मुझे और जिम्मेदारी मिली है, तो हमारे कार्यकर्ता भाई बहन सहर्ज बोले, भैया आप वो जिम्मेदारी निभाइए, हम यहाँ पर निश्चित रूप से, वहाँ की जनता ने भी, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी ये कही कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, हम इसको निपटा देंगे, भूपेश बघेल को हम संभाल लेंगे। देखिए, बीजेपी अक्सर धर्मांतरण का मुद्दा उठाते रही है और अब तो बनारस और अयोध्या के भी संतों ने इसमें चिंता जाहिर की है। निश्चित रूप से है। देखिए क्या है, ये धर्मांतरण का मुद्दे की बात हो रही है तो लगातार ये देखिए, ये आप लोग अगर आंकलन लगाएं कि हर विधानसभा में कितनी संख्या मतदाताओं की बढ़ी है, अकल्पनीय। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको शरण दे रहे हैं और ऐसे एक विशेष जाति को शरण दे रहे हैं जो आगे चल के एक अभिशाप बनेगा छत्तीसगढ़ के लिए, बहुत भयंकर स्थिति आएगी। भोला भाला छत्तीसगढ़, सरल सीधे लोग यहाँ रहने वाले, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया के भाव को जो अपने मन में संजोए हुए, हमेशा छत्तीसगढ़ के हित की बात करते हैं,
आज ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हर धर्म का सम्मान करें, लेकिन हम किसी धर्म के आक्षेप ना करें, उनकी भावनाओं को सम्मान करें, उनको सहयोग करें, प्रेम करें। लेकिन दूसरे तरफ कांग्रेस धर्मांतरण को हमेशा बढ़ावा दी है और ये इतिहास गवाह है और ये छत्तीसगढ़ में भी होने लगा है। तो बहुत दुख की बात है, धर्मांतरण जहाँ हो रहा है उसको रोकने के लिए हमारे साथी लोग जाते हैं, कुछ विश्व हिंदू परिषद के, कुछ बजरंग दल के लोग जाते हैं, कुछ अन्य लोग जो इससे अभिशप्त हैं वो लोग जाते हैं। तो पुलिस कार्रवाई जो धर्मांतरण करने वाले हैं उसके ऊपर ना करके जो रोकने जा रहे हैं उसके ऊपर करती है। देखिए, सीएम साहब का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो विधानसभा का चुनाव होगा वो बीजेपी के साथ नहीं, ईटी और आईटी और ईडी के साथ में होगा। अब भ्रष्टाचार में डूबे लोग क्या बोलेंगे, कहीं भी तो उनकी बौखलाहट दिखेगी ना। अरे ईडी अपना काम कर रहा है भाई, जहाँ पे इस तरह के भ्रष्टाचार होते हैं ईडी अपना काम करती है, संज्ञान में आता है करती है, उनका तो काम ही वही है ना, इसीलिए ईडी का गठन हुआ है। और ये जब सीडी कर रहे थे, ये बनावटी सीडी कर रहे थे ये, तब इनको किसी के ऊपर पीड़ा और दर्द नहीं हो रही थी, इतने सीडी 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 कर रहे थे, एक पूरा अध्याय निकल गया सीडी, और वो कोर्ट में अभी लंबित है, जवाब देना देने में मुश्किल हो रहा है इनको। तो आज ईडी के ऊपर ये लोग हस्तक्षेप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कुल मिलाकर विजय बघेल जी ये बता रहे थे कि किस तरह से आने वाले समय में चुनाव लड़ा जाएगा, किस क्या मुद्दे होंगे, लोगों से किस तरह से फीडबैक लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यह है कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुकी है और पूरी तैयारी में जुटी हुई है। तो आने वाले समय में ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार क्या इस प्रदेश में बीजेपी विजयी होती है या फिर कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहती है। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और अब जरा बात कर ली जाए सतना जिले की नागौद विधानसभा सीट, भाजपा का गढ़ ये सीट मानी जाती है। नागेंद्र सिंह है, अपनी बयानबाजी से पार्टी और टिकट के दावेदारों को पशुपेश में डाल रहे हैं। देखिए, सतना जिले की नागौद विधानसभा सीट भाजपा की गढ़ मानी जाती है। आजकल यहां के विधायक नागेंद्र सिंह के नित बदलते बयानों ने बीजेपी के साथ ही टिकट के दावेदारों की धड़कन बढ़ा दी है। नागेंद्र सिंह के बयान से कभी दावेदारों को टिकट की आस दिखती है तो कभी निराशा। विधायक नागेंद्र सिंह 1997 में पहला चुनाव लड़े और विधायक बने। वे अब तक 5 बार विधायक बन चुके हैं। 2013 में चुनाव नहीं लड़ा तो ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। हालांकि 2018 में भी चुनाव न लड़ने की बात कही थी, लेकिन चुनाव लड़ा और जीता भी। अब एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा है। नागेंद्र सिंह ने रहकवारा में भूमि पूजन के दौरान सार्वजनिक मंच से कहा कि 80 साल की उम्र हो चुकी है, अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने किसी युवा को टिकट देने की वकालत की और कहा कि हम सब मिलकर नई शक्ति के साथ नया विधायक बनाएंगे और चाहे मैं विधायक रहूं या न रहूं, एक ही और बता दूंगा, तो ये लोग सब नाराज हो जाते हैं। मैं अगला चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैंने कह दिया है कि मैं भैया बूढ़ा हो गया, अब मुझे थोड़ा आराम करने दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी युवा शक्ति के साथ में ताकत में रहेगी। एक कोई नए विधायक आएगा, ताकतवर विधायक आएगा वो, और वो इस काम को कंटिन्यू करेगा। और यदि वो कंटिन्यू नहीं करता है तभी हम लोग इतने कमजोर नहीं हो गए हैं तब उनके खींच ना सके पीछे। लेकिन इस सार्वजनिक बयान को अभी 12 घंटे भी नहीं बीते थे, नागेंद्र सिंह अपने बयान से पलट गए। इस बार सभा उचेरा में थी, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह रहा कि चुनाव लड़ूंगा, ना ही कह रहा हूं कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी जो निर्णय करेगी उसको स्वीकार करेंगे। सुनिए, नीतियों को ध्यान में रखकर के हम काम करेंगे। निवेदन करना चाहता हूं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं यह नहीं कह रहा हूं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। निर्णय पार्टी करेगी, आप पार्टी से जाकर के अपनी बात पहुंचाइए, अपनी भावनाओं को पहुंचाइए, जो आदेश होगा वहां पर उस आदेश में पालन करूंगा। और मेरे अलावा जिसको भी वो टिकट दे देंगे मैं उसके लिए पूरी ताकत के साथ मदद करूंगा। अब नागौद विधायक की ये कोई सियासी चाल है या फिर उनके मन की बात, लेकिन उनकी इस बयानबाजी से टिकट के दावेदारों में असमंजस है। उनकी हां और न से पार्टी भी पशुपेश में है। शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज 18, सतना।
और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की आधी आबादी यानी महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया है। हरदा में प्रशासन ने स्वीप कार्यक्रम में महिला मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए मेहंदी, रंगोली और व्यंजन प्रतियोगिता आयोजित की। उम्र 18 पूरी है, वोट देना जरूरी है। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। मसाला पूरी खाना है, मतदान करने जाना है। हाथों पर मेहंदी से लिखी ये स्लोगन कह रही है कि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो वोट देना बहुत जरूरी है। एमपी में आने वाले कुछ महीनों में चुनाव है और ऐसे में जिला प्रशासन लोगों को एक एक वोट के प्रति जागरूक करने में जुट गया है। हरदा जिला प्रशासन ने मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत की। तरीका थोड़ा अलग है लेकिन इंटरेस्टिंग है। अब जब महीना सावन का है तो तरीका भी सावन वाला ही होना चाहिए। देखिए तस्वीरें, बिल्कुल सावन वाली थीम है। जिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता की थीम थी घर की चौखट लांग के वोट देने जाना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप गतिविधियों के माध्यम से सभी जागरूक मतदाताओं से आह्वान किया जाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस प्रतियोगिता में शहर की युवा छात्राओं, महिला और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जागरूकता के लिए महिलाओं ने एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाकर सुंदर स्लोगन लिखे। जिला प्रशासन युवाओं को वोट के प्रति जागरूक करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम करने में जुटा हुआ है। जो हमारा युवा है जो पहली बार वोट डालेंगे, 18 साल से जिनकी उम्र कंप्लीट हुई है उनको वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए। इसके साथ साथ हम विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं भी कर रहे हैं, जैसे कि पेंटिंग कॉम्पिटिशन, व्यंजन प्रतियोगिताएं, राखी बनाने की प्रतियोगिताएं। इसके माध्यम से लोगों में, बच्चों में, जो नए वोटर्स हैं, युवाओं में भी और बड़ों में भी जागरूकता फैलती है और लोगों को अपने मौलिक अधिकार जो कि वोट करने का अधिकार है उसके बारे में पता चलता है। महिलाओं में उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें पुरस्कार भी दिए गए। स्वादिष्ट व्यंजन के नाम से मतदान करने की अपील भी की, साथ ही रंगोली के माध्यम से भी मतदान के प्रति जागरूक किया। मतदान करने की शपथ भी दिलाई ताकि युवा, महिला अपने वोट के महत्व को समझें और देश के लोकतंत्र को और मजबूत कर सके। न्यूज 18 के लिए हरदा से प्रवीण सिंह तंवर की रिपोर्ट। और अब इलेक्शन टॉप 10। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 सितंबर को रायपुर के मेला ग्राउंड में करेंगे सभा। युवाओं से विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा, पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। रायपुर में बीजेपी प्रदेश चुनाव कार्य समिति की बैठक जारी, चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पदाधिकारी कर रहे चर्चा, दूसरी लिस्ट के प्रत्याशियों के चयन पर हो रहा मंथन। रायपुर में कांग्रेस घोषणा पत्र समिति महिलाओं से सुझाव लेकर करेगी घोषणा पत्र तैयार, 3 महिलाओं की बनी सब कमेटी, 4 सितंबर को पेश की जाएगी रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग की टीम का बड़ा फैसला, 11 सितंबर तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकेंगे लोग, नए वोटर्स पर आयोग का फोकस। रायपुर में सांसद सुनील सोनी के कार्यक्रम में हंगामा, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काटा बवाल, सांसद से बदसलूकी के आरोप। निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग घर बैठे डाल सकेंगे वोट, 40% से ज्यादा दिव्यांगजनों को भी मिलेगी घर बैठे वोट डालने की सुविधा। मध्य प्रदेश चुनाव के महासंग्राम से पहले बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, आज रोडमैप किया गया जारी, अमित शाह करेंगे यात्रा का शुभारंभ, पीएम मोदी समापन में होंगे शामिल। एमपी में चुनाव से पहले बीजेपी निकालेगी 5 संभाग में जन आशीर्वाद यात्रा, इंदौर संभाग में 3 सितंबर से यात्रा शुरू होगी, सीएम शिवराज हो सकते हैं कार्यक्रम में शामिल। बिलासपुर में संकल्प शिविर में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे मौजूद। और अब रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी का बयान सामने आया, सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा, नकली सरकार क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, नकली मुख्यमंत्री क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सीएम भूपेश बघेल को गंगाजल भेजने वाली है,
बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल को चुनौती दी है। चावल खरीदी पर सीएम कसम खाएं कि प्रदेश में चावल खरीदी में केंद्र का योगदान। बधाई देता हूं कि वर्ष 2023-24 में मोदी जी की केंद्र की सरकार ने चावल का जो लक्ष्य है सेंट्रल पूल के लिए उसे 61 लाख मीट्रिक टन से भी बढ़ाते हुए 86.5 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। चावल के कोटे को 61 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाते हुए 86.5 लाख मीट्रिक टन चावल कर दिया है। 2017-18 से भाजपा के समय से अगर तुलना करूं, जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी उस समय के 24 लाख मीट्रिक टन से अगर मैं तुलना करूं तो लगभग 4 गुना की वृद्धि कर दी है। और इस 86.5 लाख मीट्रिक टन चावल को अगर हम धान में कन्वर्ट करें तो 1,30,00,000 मीट्रिक टन धान होता है। तो आज भूपेश बघेल जी पूरे छत्तीसगढ़ में जो दीवार लेखन करा रहे हैं कि मैं 20 क्विंटल धान की खरीदी करूंगा, इसके लिए अगर कोई किसी को क्रेडिट जाता है, एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम जो कुछ कर रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो कर रही है उसको जनता को बताना भी हमारा दायित्व है, हमारा अधिकार भी है कि मोदी जी की सरकार आज जो धान खरीदी हो रही है उसमें 20 क्विंटल की बात अगर भूपेश बघेल कर रहे हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के कोटे के कारण कर रहे हैं। और इसी